हाँ तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। यदि आपने हमारा चैप्टर नंबर 11 का स्टोरी सुन लिया है तब आप इस ऑब्जेक्टिव को लगा सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके 31 प्रश्न में से लगभग 30 प्रश्न सही हो जाएंगे अगर आपने हमारी स्टोरी को पूरे अच्छे से सुना है। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 10 के लिए हिंदी गोधोली का अध्याय नंबर 11, नाम है नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक जितेंद्र मिश्र हैं। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे आता है। अगर आप कहानी नहीं सुने हैं तो पहले कहानी को सुन लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आप इस ऑब्जेक्टिव को लगाइए, आपको समझ में पूरा आएगा, है ना। यदि आप कहानी पहले देख लें तब आप इसको लगा सकते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे बिस्मिल्लाह खां के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, बिस्मिल्लाह खां। अगला है कि कौन सी कविता नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे एक वृक्ष की हत्या कविता है, लौट कर आऊँगा फिर कविता है, नौबत खाने में इबादत एक व्यक्ति चित्र है। तो यह हमारा कविता नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति चित्र है। अगला प्रश्न नंबर 3 आता है कि इबादत का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है उपासना, है ना, इठलाना, ईट, या फिर एक। तो हमने उस पार्ट में आपको स्टोरी में बताया होगा कि इबादत जो होता है ना, इसका अर्थ होता है किसी की उपासना करना, ऑप्शन ए। अगला है सुशीर वाद्यों में साह की उपाधि किसे प्राप्त है? सुशीर हम उसको कहते हैं जिसको हम लोग मुंह से फूंक कर बजाते हैं। तो सुशीर वाद्यों में साह की उपाधि किसे है? तबला को, बांसुरी को, ढोलक को, या शहनाई को, है ना। तो सुशीर वाद्य में साह की उपाधि दी गई है शहनाई को, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किसके साथ है? बांसुरी, हारमोनियम, तबला, या शहनाई। हमने क्या बोला था? बिस्मिल्लाह खां का मतलब ही समझो शहनाई है। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हो गई थी? ठीक है ना, तो 21 अगस्त 2006 को, 30 मई 2000 को, 12 सितंबर 1916, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु अगर मैं शायद उस पार्ट में अगर भूल गया होगा तो मैं बता देता हूँ, 21 अगस्त 2006 को हो गई थी। अगला है कि फटा सुरना बख्शे, फटा सुरना बख्शे लुंगिया का क्या है? आज फटी तो कल सिल जाएगी, उपरोक्त कथन किसका है? किसने बोला था लुंगी के बारे में कि लुंगी का क्या लिए है? सुर अच्छा होना चाहिए, यानी फटा सुर न बख्शे लुंगियों का क्या है, ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था बिस्मिल्लाह खां ने, जब एक लड़की ने उससे पूछा था कि आप फटा लुंगी क्यों पहनते हैं। संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ रही है? स्टोरी नहीं देखे तो जाके स्टोरी देखिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो संगीत आयोजन का प्राचीन अद्भुत परंपरा काशी में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित कौन है? ऑप्शन है डुमराव, काशी, लखनऊ, इलाहाबाद। तो शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध काशी जगह है, बड़ा फेमस है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म, ऑप्शन है बदरघाट पटना, डुमराव बिहार, काशी उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश। तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वो डुमराव बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है नौबत खाने का अर्थ होता है, यही क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि एक क्वेश्चन है जो मैं भूल रहा हूँ, अर्थ होता है ना, क्या होता है? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, पूजा घर, इबादत, या शिक्षा। तो नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। अगला क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला है भारत रत्न, बिल्कुल मिला है, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार ये भी मिला है, पद्म विभूषण ये भी मिला है, तो सारे के सारे पुरस्कार मिले हैं। अगला है हमारा धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं, अपने शिष्या से किसने कहा था? ठीक है ना, तो अगर आपने स्टोरी सुना है तो फिर बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको ये टेस्ट देने में, ये बिस्मिल्लाह खां ने अपनी शिष्या से कहा था। नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक ने किनका व्यक्तिगत चित्र प्रस्तुत किया है, यानी किसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ते हैं? पंडित बिरजू महाराज, महात्मा गांधी जी, बिस्मिल्लाह खां, या यतीन्द्र मिश्र? तो हम लोग इस पाठ में पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह खां के बारे में। अगला प्रश्न हमारा आता है हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है, है ना, किस नाम से किया है? ऑप्शन है चार जुलाहे, या फिर
धाती या गिरिजा या सहित किसके नाम से किया है? तो मैंने खूब अच्छे से आपको बताया था, चार जुलाहे होता या यार जुलाहे होता बच्चों, मेरे ख्याल से तो यार जुलाहे होता, ठीक है, बुक में आप लोग एक बार देख लेना, मैंने तो यार जुलाहे देखा था, तो चलो ऑप्शन नंबर ए होगा। सुशीर वाद्यों में साह की उपाधि किसे है? हम पहले भी बता चुके हैं, तो ये सहनाई को है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में भारतनाट्यम और ओडिसी की प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मानसिंह से यतीन्द्र मिश्र का संवाद संकलित है? है ना, वो तो मैंने स्टार देके लिखा था आपको, याद कीजिए, गिरिजा, देवप्रिया, यदा कदा या नौबत खाने में इबादत। तो उस पुस्तक का नाम था मेरे भाई देवप्रिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, इबादत नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी अद्भुत विधा है? क्या यह एक निबंध है, कहानी है, व्यक्तिगत चित्र है या साक्षात्कार है? तो मेरे प्यारे भाई ये एक व्यक्तिगत चित्र है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि नौबत खाने में इबादत में किनके जीवन के थत हैं? रुचियां, अंतर्मन की बुनावट, संगीत, साधना आदि, गृह जीवन, अनुराग और संवेदना का भाव प्रकट होता है, किसके जीवन के बारे में? ठीक है, नौबत खाने में बिस्मिल्लाह खां हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि व्यक्ति चित्र इसमें से कौन सा है? जीत जीत मैं निर्खत हूँ, पता है आप लोगों को, यह एक साक्षात्कार है। दूसरा आता है, भारत में हम क्या सीखें, यह एक भाषण है, ठीक है ना। अगला है, नौबत खाने में इबादत ये व्यक्ति चित्र है और बहादुर एक कहानी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां का जन्म कब हुआ था? 1912, 1916, 1925, 1928। तो इनका जन्म हुआ था 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कमरुद्दीन या उस्ताद बिस्मिल्ला खां के बड़े भाई कौन थे? अरे भाई साहब, ये तो हमने लिखाया ही नहीं आपको, बड़े भाई का नाम क्या था? अली बख्त, साकिर हुसैन, सलार हुसैन, शमसुद्दीन। तो बड़े भाई का नाम था इसका शमसुद्दीन, तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी। अगला क्वेश्चन आता है, उस्ताद बिस्मिल्ला खां को रियाज के लिए जाना पड़ता था, संकट मोचन मंदिर, पुराना बालाजी का मंदिर, शिव मंदिर या इनमें से कोई नहीं, कहां बैठ करके वो रियाज करते थे? तो वो रियाज करते थे पुराना बालाजी का मंदिर में। अगला है कि 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर कमरुद्दीन कहां चले गए थे? लखनऊ, बनारस, काशी या इलाहाबाद? तो देखिए प्यारे भाई, पाँच छः वर्ष बिताने के बाद कमरुद्दीन जो थे वो काशी चले गए थे। अगला है हमारा, सहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? वीणा का, संतूर का, रीड नरकट या सितार का? तो सहनाई बजाने के लिए जिसका प्रयोग होता है वो होता है किसका? रीड। नेक्स्ट है हमारा कि रसूलन बाई थी, देखिए यहाँ पर दो बहन थी, एक रसूलन बाई थी, एक और दूसरा था बतूलन, ऐसे कुछ नाम था, तो रसूलन बाई क्या थी? ठीक है, तो ऑप्शन है, कवियत्री थी, कथावाचिका थी, गायिका थी या नर्तकी थी? तो आपको पता है ना कि संगीत के इसके अंदर में जो प्रभाव आया था वो रसूलन बाई के कारण ही आया था, तो वो गायिका थी। अगला प्रश्न आता है, बिस्मिल्ला खां के बचपन का नाम क्या था? तो कोई भी बता देगा जी, नसरुद्दीन था, अमीरुद्दीन था, शमसुद्दीन था या अमरुद्दीन था? तो देखो यहाँ पर दो एक ही टाइप के लग रहे हैं, दोनों एक ही हैं। तो उनका जो बचपन का नाम था बिस्मिल्ला खां का, वो क्या था? अमीरुद्दीन था ना, अमीरुद्दीन, एक सेकंड रुक जाइए, तो उनके बचपन का नाम कमरुद्दीन था, यहाँ पर कमरुद्दीन होना चाहिए, कमरुद्दीन उसके बचपन का नाम था, कमरुद्दीन, यहाँ पर तो ऑप्शन में ही नहीं दिया था कमरुद्दीन, ठीक है, तो आंसर हमारा कमरुद्दीन होता। अगला प्रश्न आता है, का जुरा है, अच्छा सॉरी, बिस्मिल्ला खां का नाम जुरा है, यहाँ बिस्मिल्ला खां छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, बिस्मिल्ला खां का नाम जुरा है ईद से, बकरीद से, मुहर्रम से या मिलाद से? तो बिस्मिल्ला खां का नाम जुरा है मुहर्रम के साथ। उसके बाद आता है कि काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की, नृत्य की, नर्तक की या वादन की? तो हमारा जो काशी है वो किसकी पाठशाला है? वो संस्कृति की पाठशाला है। अगला प्रश्न आता है, बिस्मिल्ला खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन कहाँ के निवासी थे? डुमराव के, सीतामढ़ी के, दरभंगा के या पटना के? तो वो थे उस्ताद डुमराव के, ऑप्शन ए हो जाएगा।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अमरुद्दीन नाम किसका था, मिट्ठन मियाँ का, बिस्मिल्ला खां का, अली बख्श का, या फिर जमाल शेख का? अरे अमरुद्दीन दिया है मेरे ख्याल से, तो है ना अमरुद्दीन नाम था इसका, कई जगह कमरुद्दीन देखने को मिलता है, कमरुद्दीन अमरुद्दीन, चलो छोड़ो, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा, यहाँ पर तो आंसर दिया है बिस्मिल्ला खां का, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कमरुद्दीन होना चाहिए। अगर बुक में देख लेना आप लोग, कमरुद्दीन अमरुद्दीन को देख लेना, मुझे तो एक ही लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो कितना आप लोग सही किए बताना मुझे, 31 में से कितने आप लोगों ने सही किए, क्या आपने स्टोरी देखा या नहीं देखा? नहीं देखा तो लिंक नीचे है, वहाँ जाके आप स्टोरी देख लीजिए, पहले स्टोरी देख लीजिए फिर ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। अब इसका सब्जेक्टिव का लिंक है नीचे, सब्जेक्टिव का जाइए और अभी सब्जेक्टिव का पहले क्लास कर लीजिए, इसका सब्जेक्टिव भी पढ़ लीजिए। एक भी है ना, एक चैप्टर का तीन वीडियो, पहला स्टोरी समझिए, दूसरा में ऑब्जेक्टिव कीजिए और तीसरा में सब्जेक्टिव करिए, उसके बाद आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपने पहले वाले वीडियोस, इससे पहले 10 वाले चैप्टर नहीं पढ़ाए तो हमारा संपूर्ण गोधोली के नाम से है देख लीजिए, और संपूर्ण वर्णिका के नाम से जा करके दोनों प्ले लिस्ट को जाके खूब प्यार दीजिए और देखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।